जन्माष्टमी की रात माखन का करे एक उपाय, खुद कान्हा जी दौड़े आएंगे धन संपत्ति खजाना लेकर आपके घर। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जन्माष्टमी के दिन द्वापर युग में मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ था। भगवान जैसे ही प्रकट हुए थे उसके बाद उन्होंने जो है सबसे पहले यदि कोई वस्तु खाई थी तो वो खाई थी माखन। आज हम आपको माखन का एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिसको करने मात्र से खुद कान्हा जी जो है आपके घर में धन दौलत वैभव खजाना सब कुछ जो है भरपूर कर देंगे। आपके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। बस आपको करना यह है कि जन्माष्टमी की रात जब भगवान का प्रागट्य होता है, रात को ठीक 12 बजे भगवान प्रकट होंगे। जन्माष्टमी की रात में आपको एक कटोरी में अच्छा माखन लेना है। माखन के बारे में कहा गया है कि दधि मथे माखन बने, अरु वामे मिश्री मिलाए, ता ऊपर तुलसी धरे और वो प्रभु को भोग धराए। जो मानुष तन मांगे वो सब कुछ पा जाए। अर्थात माखन के ऊपर आपको मिश्री का मिश्रण करना चाहिए। मिश्री अच्छी प्रकार से माखन में मिला देना चाहिए, उसके ऊपर एक तुलसी पत्र रख देना चाहिए और उसके बाद कान्हा जी के सामने प्रेम पूर्वक उसका भोग आप लगा दीजिएगा। भोग लगाने के बाद आप कान्हा जी से मन ही मन प्रार्थना कर लेना कि हे कान्हा जी, हमारे घर में धन दौलत संपत्ति वैभव खजाना आप सब कुछ प्रदान कर दीजिए। आप जैसे ही स्मरण करेंगे भगवान आपकी पुकार को तत्काल सुन लेंगे और आपके घर में जो है सभी प्रकार का सुख आपको प्राप्त हो जाएगा। कान्हा जी को माखन मिश्री सबसे ज्यादा प्रिय है। सबसे प्रिय वस्तु यदि यशोदा जी से वो मांगते थे तो वो माखन मिश्री ही मांगते थे और जन्माष्टमी उनका प्रागट्य दिवस है। ऐसे में माखन मिश्री का यह एक छोटा सा उपाय यदि कोई भी मनुष्य कर लेता है तो निश्चित तौर से जो है उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो वो मांगता है। तो मित्रों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।